समाज के लोगों का कहना है कि दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। रामगढ़ क्षेत्र के मिलकपुर गांव निवासी ज्ञानी पूर्व ग्रंथी गुरुबख्श सिंह के साथ 21 जुलाई को रात के समय अलावड़ा से मिलकपुर अपने गांव जाते समय सामाजिक तत्वों ने धोखे से साइड में बुलाकर मारपीट करते हुए सिर के केश काट दिए थे। इस मामले में मुस्लिम समाज के अलावड़ा, चौमा, माणिक, मिलकपुर, जाडौली, हसनपुर आदि गांव के लोगों ने आज कस्बा अलावड़ा में प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित कर घटना की निंदा करते हुए निर्णय लिया कि यदि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति इस घटना में शामिल पाया जाता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दंडित किया जाएगा। इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए 21 सदस्यों की कमेटी गठित की है जो कि घटना में शामिल लोगों का पता लगवाएगी और प्रशासन को अवगत कराएगी। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, किसी निर्दोष को बेवजह गिरफ्तार ना करे। प्रधान नसरू खान ने बताया कि जब भी कोई घटना होती है ज्यादातर इल्जाम मुस्लिम समाज के लोगों पर आता है, जबकि समाज के चंद असामाजिक लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच करें, किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करें। यदि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसका समाज से बहिष्कार किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। मीटिंग में प्रधान नसरू खान, हनीफ खान मिलकपुर, लल्लू सरपंच, रत्ती खान सरपंच जाडौली, जावेद सरपंच, पप्पू सरपंच, आंसू सरपंच, इसाक सरपंच, शौकत सरपंच, रज्जाक सरपंच, कमरू खान, जोरे खान, हारून खान, रमजान डीलर सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ग्रंथी गुरुबख्श सिंह के साथ जो घटना हुई है उसके संबंध में कल पंचायत समिति के साधन उसमें मीटिंग हॉल में कल दोनों समुदाय, सिख समुदाय और मीर समुदाय की मीटिंग हमने बुलाई थी, सद्भावना समिति के हमने बुलाई थी। उसमें सरदारों के सिख समाज के कम से 50-60 आदमी थे, 30-40 आदमी हमारे मेरी कमेटी थी। तो उसमें अच्छे वातावरण मीटिंग हुई। उसमें कल ही हमने घोषणा कर दी थी कि हम जाकर अभी अलावड़ा के लोगों से, आसपास के लोगों से बात करते हैं और 24 तारीख की मीटिंग रखेंगे जिसमें हमारे समाज के लोगों को बुलाकर इस निर्णय पर पहुंचेंगे भाई कहाँ तक इसमें सुई घूम रही है हमारे समाज के ऊपर। जो हमारे समाज कुछ आदमी की बदनामी की वजह से कलंकित हो रहा है हमारा समाज, कुछ एलिमेंट्स है समाज में उनकी वजह से सुई, जो हमारे अपराध प्रवृत्ति के लोगों की वजह से हम लोग परेशान है कर, तो उस चक्कर में हमने यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया और उस मीटिंग में उभर के सामने बात आई। सब लोगों ने वक्ताओं अपनी बात कही कि भाई अगर हमारा समाज का आदमी इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो उसको आर्थिक दंड भी पहुँचाएंगे, आर्थिक रूप से दंड, तो दूसरी ये है कि उसको समाज से बहिष्कार करेंगे, कि उसका हक्का पानी बंद, कोई लेना देना नहीं समाज से, कहीं उसका संपर्क नहीं रहे, क्योंकि इसमें हमारे समाज की बदनामी हो रही है। इसलिए और हम तो ये भी प्रशासन से हमने ये भी मांग करते हैं आज के समय के अंदर कि प्रशासन भी हर एंगल से इसको देखे, ऐसा नहीं हो कि काम कोई और कर जाए हमारा समाज को